थोड़ी सी है फूल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे। आमिसे मेडिकल एसोसिएशन ने मनाया गणतंत्रता दिवस। चेयरमैन डॉक्टर अशोक उप्पल ने सभी सदस्यों के साथ फहराया तिरंगा। आमिसर मेडिकल एसोसिएशन ने चेयरमैन डॉक्टर अशोक उप्पल की अध्यक्षता में उप्पल अस्पताल व मिशन राहत के सहयोग से गणतंत्रता दिवस स्थानीय पार्क में बहुत धूमधाम से मनाया। इस मौके डॉक्टर अशोक उप्पल ने एएमए के सभी सदस्यों, इलाका निवासियों व उप्पल अस्पताल के समूह स्टाफ सहित तिरंगा फहराया। इस मौके उप्पल अस्पताल के स्टाफ व राजरानी उप्पल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन के विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। अपने संबोधन में डॉक्टर अशोक उप्पल ने समूह देशवासियों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारा देश तभी आगे बढ़ सकता है यदि हम देश के प्रति पूरी तनदेही से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अच्छे नागरिक बनेंगे। उसमें चाहे मामला टैक्स भरने का हो या फिर कानून की पालना का। डॉक्टर उप्पल ने कहा कि यदि लोकतंत्र से पहले वाले भारत की तरफ देखा जाए तो हर व्यक्ति कानून की कमी होने से भय की स्थिति में रहता था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि कहीं उसे किसी प्रकार की कोई क्षति ना पहुंच जाए। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का संविधान होने पर जब आज के शुभ दिन संविधान लागू किया गया तो पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों के मन का भय पूरी तरह से खत्म हो गया था। वह बिना किसी जुर्म व बिना किसी गलती के अब सजा के हकदार नहीं होंगे। कार्यक्रम में शूर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर सूरज शूर, वीओएसी डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रसिद्ध मेडिसन डॉक्टर मनीष चांडे, डॉक्टर प्रहलाद दुग्गल, डॉक्टर सलील उप्पल, डॉक्टर शिखिल उप्पल, असिस्टेंट कमिश्नर विशाल वधावन, डॉक्टर राजेश महाजन इत्यादि सहज शहर के कई गणमान्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मौके पे आया गए कि सारे इंडिया दे विच खुशियां ही खुशियां ने। एक तो सानू गणतंत्र दीयां खुशियां ने, ते दूसरा जिहड़ा हैगा राम मंदिर भी आया, उहदे नाल सारे ही भारत में दुनिया में एक एहोजा मैसेज आ गया है कि रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी एवरी रिलीजन। जैसे मोदी जी ने भी कहा कि राम मंदिर जो है ये सबको जोड़ता है, तो सिमिलरली ये जो 26 जनवरी का ये गणतंत्र दिवस है ये भी एक जोड़ने के लिए दो चीज़ें जोड़ता है। एक तो हमारा पास्ट में क्या था, जो कॉलोनियल पास्ट वो ख़त्म हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन ने सानू डेमोक्रेसी दिती, फ्रीडम दिती, लिबर्टी दिती, राइट्स कोई ज़्यादा ही देते। और दूसरी जड़ी चीज़ हैगी आ कि नाल दी नाल इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जड़ा दिवस हैगा आ ये नाल असी अज अपने उन्हां लोकां नूं याद करते हैं जिन्हां ने सैक्रीफाइस दित्तियां। पता नहीं किन्ने तसीहे सह गए उन्होंने, इहो जिहियां जेलां हैगियां ने, मैं खुद देखी हैगी जेल, एक दिगशाही जेल शिमले दे नाल, उहदे च सिर्फ खड़े होने वास्ते जगह। अगर तुसी पिछे नूं जाओगे तो पिछे फटाएगा, अगे नूं जाओगे तो अगे फटाएगा। इहो जिहियां काले पाणी वालियां साडियां जेलां दे विचों लोक सैक्रीफाइस दे के आए, अज असीं खुले माहौल खड़े हैगे हाँ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਾਈਲ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਈਗਲ ਬਣ ਕੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ, ਵੱਡਾ ਮੀਨਸ ਸਟਰੋਂਗ, ਸਟਰੋਂਗ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਂਗੀ, ਚਿਕਨਗੁੜੀਆਂ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇਗਾ।